जल्दी कर ले, भगवान करे तू जल्दी। चुप करो। इज शी सिंगल? यस गाइस। यू? यस। आप दोनों? मेरी बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती है हाइट की मेरे को। आपको लग रहा हो ये शरीफ है, हाइट का मजाक उड़ाती है मेरी, मेरे को ट्रॉमा देती है, जो ऑलरेडी मैं अपनी हाइट की वजह से ट्रॉमेटाइज्ड हूँ। हाइट मैच होना हो, वाइब मैच होनी चाहिए बोल के रुक जाती है। Hi guys, I am Ashna and welcome or welcome back to my channel. आज हमारे पास मेरी रूममेट जो है थोड़े दिन से नहीं थी, छुट्टी में गई थी। को ऐसे रिप्लाई मत किया करो कि दे दिया रेंट, रेंट सक्सेसफुली। तो आज बड़े दिनों बाद कीर्ति आई है और हमने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं। आज मैंने स्टोरी डाली थी क्यू एन ए करने के लिए, तो क्यू एन ए के आंसर तो हम देंगे, साथ साथ में हम थोड़ा सा रेडी भी होंगे। मैंने ऑलरेडी स्किन केयर कर लिया है, कीर्ति थोड़ा सा अपना स्किन केयर करेगी और जो दो छुट्टी भर मेकअप का सामान है। तो गेट रेडी विद अस व्हाइल वी आंसर योर क्वेश्चंस। शादी कर रहे हो? कब कर रहे हो? बस इतना पूछो कीर्तु से। तो गाइस शादी का जो प्लान है वो मेरा पहले था कि जेन्युइनली कि 24 25 26 तक की एज में मैं कर लूंगी, और वो फिर नहीं हुआ। 30 हो गई है तो अब सोच रहे हैं कि छोड़ो। नहीं, 30, that's so rude, आशना। अभी मेरा प्लान नहीं है क्योंकि जब तक मेरे आसपास वाले नहीं कर लेते ना, जो 27, 28, 29 साल के लोंठे हो गए हैं बिल्कुल, हाँ, तो जब तक वो लोग नहीं कर लेते तब तक मैं चिल बैठी हूँ। और चलो हमारे पास तो लड़का भी नहीं है, तो जब तक वो नहीं मिलता तो अभी मैंने ये लगाया है। चिट्टू के लिए था क्वेश्चन, मेरे लिए नहीं था, तो हम इग्नोर कर देंगे इसको। कीर्ति की शादी कब होगी? बहुत अच्छी है और बहुत खूबसूरत होगी। मेरी शादी भी बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत होगी, क्योंकि यू नो आपको पता है ना, पंजाबी में, पंजाबियों में शादियां नहीं होती, पंजाबियों में फेस्टिवल होता है। मैंने आज तक किसी पंजाबी की शादी अटेंड नहीं करी, तो मुझे लगता है कि वो किट्टू की जल्दी कर ले, भगवान करे तू जल्दी कर रही, मैनिफेस्ट कर रही हूँ। यार यही क्वेश्चन है सबके पास, हु विल गेट मैरिड फर्स्ट? आशना। मतलब टेक्निकली तो कीर्ति को करना चाहिए क्योंकि कीर्ति मेरे से बहुत बड़ी है। एक बार बता दे मैं कितनी बड़ी हूँ। 5 साल। पर ड्यू टू सम पर्सनल इशू पॉसिबल है कि मेरी पहले हो जाए, पर कुछ नहीं कह सकते, जब होगी तभी पता लगेगा। देखो मेरा तो ऐसा है, लड़का मिलते ही चट मंगनी पट गया। अच्छा, वही तो। पर लड़का मिलना भी तेरे को पता है कितना मुश्किल हो रखा है। कीर्ति को रेड लिपस्टिक और हेयर कर्ली एंड रेड साड़ी एंड मेकअप जैसे आप करते हो अच्छे से, उनको भी एक रील बनाओ। रेड लिपस्टिक, रेड साड़ी और कर्ली बाल। भाई आश नहीं है जो ये सब चीजें मेरे पे कर सकती है, तो इसी से किया करो ये सारी रिक्वेस्ट। आई प्रॉमिस के बहुत जल्दी आ जाएगी वो रील। ठीक है गाइस, मेरा स्किन केयर डन हो चुका है, मेरा बेस आना डन हो गया। आस्क कीर्ति टू स्टार्ट लिप्टन बिजनेस वंस शी यूजेस ऑर्गेनिक टाइम विद गोवा वेंडर। यार ये आइडिया अच्छा है वैसे। हाँ, मेरे को भी अच्छा लगा था, कर सकती हो ये तो। पर मैं जब अभी इस बार गोवा जाऊंगी ना मॉनसून में, तो मैं उनसे मिलूंगी जाके, कहीं ना कहीं से मीटिंग करूंगी। और गोवा वाले टीम से याद आया कि मैं टिंट स्किन केयर में वो टिंट ही यूज करती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है बिल्कुल, पर वो मैं भूल गई, तो अब मैं ये लिपस्टिक लगा रही हूँ। पर ये आइडिया सच में अच्छा है कि हाँ हमें कुछ करना चाहिए। विल यू मैरी इन द सेम हाउस? उस घर के भाग फूट जाएंगे। क्योंकि हम दोनों अपने में लगे रहेंगे फिर तो क्या ही घर और क्या ही बसाना। एक होता है ना कि जैसे दोनों एक ही घर में गए हैं, तो मैं इसे समझाऊं कि आशना कोई नहीं घर का थोड़ा काम कर ले, ये मुझे समझाया कोई नहीं घर का थोड़ा काम कर ले, वहां पे ऐसा होगा कि दोनों वीडियो बनाते जल्दी जल्दी उठ। वरना मगर अगर आपको ऐसा लग रहा हो हम सिर्फ वीडियो वगैरह बनाते हैं, नहीं, आशना अकेले रहती है तो वो सारा काम खुद करती है पहले उठ के, मेरे को भी घर पे सारा काम करना सब कुछ आता है, तो वीडियो ऐसे नहीं है, हमारे वीडियो ही वीडियो करते हैं हम, शुद्ध शाकाहारी संस्कारी गुड लुकिंग बच्चियां हैं तो हम चाहते हैं कि ज्यादा घर आबाद हो, तो ये अलग घर में, मैं अलग घर में, थोड़ी सी हम
हमारी दोस्ती अच्छी चल रही है तो चल रहे दो ना वहां में पता चले लड़ाइयां होगी. फ्रॉम हाउ मेनी इयर्स यू गाइस आर टुगेदर? वी आर टुगेदर टुगेदर तो हम 1.5 साल से, 2 साल से. बिल्कुल ऐसे पक्के पक्के वाले तो 2.5-3 साल हो गए. 2.5 साल हाँ, मतलब 2 साल के आसपास हुए पर जानती मैं 4 साल. 4 साल से आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो, हमेशा साथ रहो. आशना ने मुझे सिखाया, मैं जाके सबको सिखाऊंगी. तुमने एक और चीज सिखाई मेरी. मैची. Who is your favorite YouTuber? आशना चंद. कीर्ति मेरा बोलना पड़ेगा. नहीं यार, कीर्ति की मैं वीडियोस देखती हूँ सारी. मैं भी आशना की. और मेरे घर में आके मेरी वीडियो देखती. What's Kirti's type in a guy? इसका आंसर आज मैं दूँगी. He should be tall. हाँ, he should be tall. Decently fair. हाँ. Good looking. और nature wise kind. Honest. Honest, kind, और बहुत हंसी मजाक करने वाला. इंट्रोवर्ट तो बिल्कुल नहीं जमेगा कीर्ति मेहरा को, एक्सट्रोवर्ट ही चाहिए मेरे साथ बस. मतलब कि एक्सट्रोवर्ट एज इन की घर वालों के साथ बैठ के हंसी मजाक, दोस्तों के साथ भी घुल मिल रहा है. हाँ, इजी टू गेट नाउ. इजी टू गेट मतलब लड़कियों को ऐसा ना लगे कि बाकी लड़कियों को कि यार इससे बात करना तो बहुत इजी है, तो पट जाएगा. नो, मेरा वाला नहीं पटेगा. मतलब जो खुद ही हंस खेल नहीं रहा है वो मेरे को क्या खासा के रखेगा. जो खुद ही रो रहा है तो मेरे को भी रुलाएगा और ऊपर से मेरे ह्यूमर पे भी गुस्सा हो जाएगा. और स्टैंड लेने वाला. यस, व्हेन इज कीर्ति स्टार्टिंग हर ओन इंडियन क्लोथिंग ब्रांड? बिना मैं किसी एक चीज में लगी हुई हूँ, वो ज्यादातर लोगों को पता भी है. सबको नहीं पता. पता है, सबको पता है. चुपचाप कमेंट करके चुपचाप भाग जाते हैं. मैंने इनडायरेक्टली बता रखा है पर काफियों को जो ऐसे डेडिकेटेडली फॉलो करते हैं उनको पता है. तो एक चीज में मैं लगी हुई हूँ, वो हाँ थोड़ी सी दिक्कत दे रही है होने में. जैसे ही वो हो जाएगी, क्लोथिंग ब्रांड आ जाएगा, मैं ब्रांड निकाल के रहूंगी. बस एक वो चीज पूरी होते और मैं तब से उल्टा लगा के बैठी थी. इसके आगे पॉम पॉम भी रेडी. और क्या बैठ के आंसर दोगे अब? हाँ, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ. योर बेस्ट मोमेंट विद ईच अदर. यार ये नहीं बताएंगे आज ना. नहीं बताना. चलो छोड़ो. इसका पूरा डेडिकेटेड वीडियो ही बना. हाँ, इसकी हमारी एक वीडियो आने वाली है. When you both are going on a trip, इसके ब्रैकेट में इंटरनेशनल लगा दो और फिर इससे पूछो. नहीं नहीं नहीं, चुप रहो. जाएंगे, पहले वो जो काम है कीर्ति का वो हो जाए, उसके बाद ट्रिप करें. ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में ही कहीं निकल जाए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक. पर ऐसे प्रॉपर अच्छी बड़ी ट्रिप अगर बनानी है तो जो मेरा काम है वो होने के बाद छोटी ट्रिप मार सकते हैं. अभी चांसेस है आसपास. समथिंग फनी हैपेंड विद यू एंड कीर्ति? यार मेरे को तो ज्यादातर वो गाड़ी वाला ही चीजें याद रहती हैं. जब हम एक बार गुड़गांव आ रहे थे, वो लड़की साइड से मार के भाग गई. वो फनी नहीं था यार. हमको कितनी हंसी आई थी बाद में. रोगी से साइड रोक. डर गई थी वो लड़की. एम्बैरेस वाला ये कुछ करती है. एक दिन तुम गाड़ी चला रही थी, वो बच्चा डर गया था ऐसे. मैंने कहा चला जाओ भाई, नहीं मारूंगी. बहुत क्यूट बच्चा. कीर्ति देखो, स्टाइल करो वेस्टर्न में. कार्गो को छोड़ के प्लीज. मैंने एक्चुअली स्टाइल करा है, उसकी वीडियो डल गई होगी शायद. यार इतनी सारी वीडियोस डाली हैं इसने, बहुत सारी डाली हैं. आप इसके अकाउंट को जाके देखो. पर अभी जो रिसेंट एक में करी है, अभी एक और करी. तू मेरे साथ कोलैबोरेशन पोस्ट डाला करो. डाल दूंगी मैं, छोटी इन्फ्लुएंसर होना. मैं एक्सेप्ट नहीं करती किसी के भी कोलैबोरेशन पोस्ट. तो क्यों बोल रही हो करने के लिए? ये तेरे को देख, तू कहाँ है? आप दोनों के बीच में सबसे ये भी उसी ने बताओगी. खतरनाक लड़ाई, लड़ाई बता सकते. हाँ, 2 साल पहले ऐसी लड़ाई हुई थी कि फिर मैंने 1 साल तक बात नहीं. मतलब 4 साल में ये सब हुआ है, देख रहे हो? यार कीर्ति देखो ना, उससे हमारा बॉन्ड कितना स्ट्रांग हुआ है. लड़ाई करना इज इम्पोर्टेंट. 4-5 साल में एक बार. और ऐसे लड़ाई वाली, ओ नहीं, अभी हुई थी वहां पे अंदर रूम में जब लड़े थे हम दोनों. वो बता नहीं सकते क्यों हुई थी, पर अंदर लड़ाई हुई थी हम दोनों उस टाइम. अच्छा, पागल बनाया था बोल के कि आ रही हूँ. और 11:30 ये मेरे पे टैग लग चुका है. पर गाइस मैंने पागल नहीं बनाया था यार. पागल बनाया था तुमने. अच्छा ठीक, लास्ट में भी तो नहीं आई थी ना. हाँ ठीक है. एंड समवन वांट्स टू मूव ऑन इन लाइफ बट द फैन पेज एडिट्स होल्ड यू बैक, हाउ कीर्ति डील्स विद दैट?
आंसर देती हूँ इस चीज का कि हमारी लाइफ में जो जो चीजें हुई हैं वो हम मिटा नहीं सकते, जो हो गया वो हो चुका है। आप बोलो कि मैं तो उसको भूल गई या मेरे को तो याद ही नहीं है, आपका दिल तो बहुत दूर की बात है, आप ह्यूमन ब्रेन इस तरीके से काम नहीं करता, आपको कोई भी चीज आप नहीं भूल सकते, आपको वो याद रहती है, बेशक आप उसके बारे में बात करना बंद कर दो। सब लोगों के एडिट्स बनते हैं यार, जैसे मान लो कि कल को आशना और मेरी बात ना हो, भगवान ना करे ऐसा हो, पर आशना और मेरी कल को बात बंद हो जाए तो ऐसा थोड़ी ना एडिट्स रुक जाएंगे, तेरे मेरे एडिट्स बनते रहेंगे। या मैं देख के चिढ़ूंगी कि यार इसके साथ फिर से एडिट। हाँ, वो टाइम था, अच्छा टाइम था, अच्छी मेमोरीज थी। दीपिका रणबीर के अभी तक एडिट्स बनते हैं, सबके एडिट्स बनते हैं, तो मेरे को उस चीज से ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। जब इंसान को दो लोग साथ में देखना पसंद होता है तो वो एडिट्स बनाते हैं, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो हमेशा सामने रहेगा, सामने नहीं रहेगा तो वो दिमाग में रहेगा, आप उस चीज को ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, ये इरेज थोड़ी हो जाएगी, डिलीट बटन है, हटाओ, वो बहुत ही क्या कहते हैं, कौन सी बात होगी, वो बहुत इलॉजिकल बात होगी वो तो। आपकी शादी में भी ये लव भाई से बात करेगी या नहीं करेगी, आपने आपको किसने कहा कि बात नहीं होती, हम दोनों फॉलो करते हैं दूसरे को, सारी चीजें नॉर्मल है, जरूरी नहीं है सब कुछ कैमरे पे हो। गाइस, मैं दोनों तरफ से आऊंगी, मेरी तरफ से आऊंगी आज ना, थोड़ा सा बनता है उधर भी नहीं, ठीक है। देखो मेरा पहले हो गया कि इसने How many times you both fell in love? How many times? One. Kirti di se poochho, Aashna di Snapchat par active kyun nahi hai? We want her active on Snapchat. Guys, maine ise bahut bola hai Snapchat pe active rahe, par ye hamesha delete kar deti hai. Main kya kya karu? To main kya kya karu? Snapchat bahut memory leta hai. Do phone aa chuke hain iske paas. Dono full hai. Aa jaungi yaar, aa jaungi. आपको कब रियलाइज हुआ कि कीर्ति आपकी इतना प्यारा क्वेश्चन नहीं है? एक आदत है और वो अच्छी आदत है कि मैं सबसे अपनी पर्सनल एकदम पर्सनल चीजें शेयर नहीं करती, तो मुझे किस दिन रियलाइज हुआ कि क्लोज अब कीर्ति एकदम क्लोज वाली दोस्त हो चुकी है, जब गाड़ी में एक बार मैंने तुम्हें अपनी फैमिली की बहुत सारी चीजें बताई थी। ओके भाई, ये अब ये शेयर हो चुका है तो कीर्ति को कहेंगे। वैसे कितना प्यारा क्वेश्चन है, कब रियलाइज हुआ बाबू आपको? मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ चीजें हुई थी, तो मेरे को आशना ने एक बार बैठ के बहुत लड़ाई वड़ाई करी थी, सब कुछ करी थी, पर मुझे याद है तूने उस टाइम पे बोला था कि देखो मैं ऐसे अगर किसी के साथ करती हूँ तो मैं जेन्युइनली कनेक्ट होती हूँ। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही हूँ भाई, वो भी कैसे मैनेज करती है उसको मैं भी देखती हूँ स्नैपचैट पे रोज। कितनी स्टोरी डालती हो तुम? ज्यादा 20-30 प्लस, अब तो मैं 50-60 पे जा चुकी हूं, स्टोरी डालती है और मैं स्नैपचैट चला भी नहीं पा रही, तो कैसे मैनेज करते हैं यार, बताओ कैसे मैनेज करते हैं। या वैसे अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं, कभी कभी ऐसा बहुत ऐसा हो जाता है कि एग्जॉस्ट हो चुके हैं और अब नहीं होगा, अगले दिन कैसे उठना है पता ही नहीं होता, और फिर मतलब उठ के लगता है कि नहीं करना तो है। ना फिर ये होता है कि क्योंकि हमें पसंद है हम जो कर रहे हैं तो चलो कोई बना लेते हैं, तो मैनेज हो जाता है। वही है कि दिन डिसाइड करना पड़ता है, इस दिन ये करना ही करना है, अगर ये नहीं किया तो फिर वो आगे आगे शिफ्ट होता रहेगा सब कुछ। जैसे आज कीर्ति आई है तो हम कुछ ना कुछ शूट कर ही लेते हैं, क्योंकि बाद में फिर पता नहीं कब टाइम, जब अगली बार तो टाइम मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, तो हम टाइम क्या बोलते हैं यूटिलाइज कर लेते हैं कैसे ना कैसे। और रील्स वगैरह इंस्टाग्राम की मैं एक ही दिन बैठती हूँ हफ्ते में और पूरी ड्राफ्ट कर देती हूँ। और हम दोनों की सबसे अच्छी बात बताऊं कि हम वैसे नहीं पसंद के हम पार्टीज वगैरह में जाएं या फिर घूमने फिरने निकल जाएं, बस इसको एक चीज पसंद है जो मुझे नहीं पसंद, विंडो शॉपिंग नहीं करती मैं, मॉल जाना, हाँ मतलब सामान लेने के लिए फिजिकली शॉपिंग करना वो तो इसको ऑफलाइन शॉपिंग पसंद है, मैं ऑफलाइन शॉपिंग नहीं कर सकती। कितनी बार बोला करती हूँ मैं मैनेज अपने ऑल द वर्ल्ड में। आप एक दूसरे को क्या नाम से बुलाते हो और क्या नाम से सेव है? कीर्ति का फोन में
नहीं इसके दो नंबर है मेरे पास, एक पे नॉर्मल आशना चंद है और एक पे मैंने ऐसे लिखा है आशना, दिखा ना, बिजीनेस क्योंकि ये इसका बिजनेस अकाउंट है पर ये बिजी भी रहती है तो मैंने आशना बिजीनेस लिख दिया तो कीर्ति रखा है, पर आजकल मैं कीर्ति को बुलाती हूँ कीर्तड़ो, तो आपको मेरा नाम चेंज करना चाहिए। तुम भी तो कुछ बुलाते हो मेरे को कभी कभार, आशनी आशनी। दीदी पंजाबी म्यूजिक वीडियो कब आ रहे हैं, योर फ्रेंडशिप इज अल्टीमेट, थैंक यू गाइस। पंजाबी म्यूजिक वीडियो जो है, मैं अगर ऑनेस्टली बोलूं बहुत ब्रूटल हो गए, मेरे पास बहुत सारे गाने ऐसे आए हैं जो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं दूसरी लड़कियों के पास जाते हुए, क्योंकि वो मैंने रिजेक्ट कर दी। हरियाणवी गाने करने के लिए भी मैं रेडी हूँ, पर मेरा खुद का एक ड्रीम है, मेरा या मेरे पापा का कह लो कि वो मुझे पंजाबी गाने में देखना चाहते थे, तो मेरे को पहला गाना जो है वो पंजाबी करना है, उसके बाद में चाहे हरियाणवी कर लूँ चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, पहला पंजाबी होना चाहिए। तो वो पंजाबी गाना जो है ना एक कि पहला गाना होगा और बहुत ऐसा होना चाहिए कि बहुत ही बढ़िया हो, कि अब इतने टाइम वेट किया है तो एक ऐसा गाना हो जो सबके जुबान पे रट जाए, बस मैं उसे क्लिक का वेट कर रही हूँ, जैसे ही वो क्लिक हुआ आ जाएगा। और मैं वैसे बता दूँ कि कुछ टाइम और बस आने वाला है, शूट हो चुकी है वीडियो, शूट नहीं है, शूट हो जाएगी ठीक है, तेरे को भी नहीं पता शायद वो शूट हो जाएगी। इज शी सिंगल? यस गाइस, यू यस, आप दोनों आशना क्लिक दोनों में से ज्यादा शाय कौन है, ये क्वेश्चन है। Obviously, कीर्ति यार। आप कीर्ति का फेवरेट कलर बताओ और अपना भी। मेरा बता। यार तुम्हारा कुछ भी कोई भी पेस्टल कलर तुमको अच्छा लगता है? मोस्टली पर्पल, लैवेंडर सा, लैवेंडर लाइलैक, ब्लू, पिस्ता। अपना नहीं बताऊंगी मैं, क्यों नहीं बताएगी, बता डार्क पर्पल डाल दे। हो सकता है कि हु नोज भी बेटर चैलेंज आ जाए एक, तो उसके लिए मैं पहले आंसर नहीं दूंगी, इनको गेस करना पड़ेगा। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू मी एंड कीर्ति मेहरा, एंड वी विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। कीर्ति के चैनल पर भी एक और वीडियो बनाई है हमने, जाके देख लो। बाय।